तीनों में सबसे पहले मर्डर कौन कर सकता है? हम। सो गाइस, तो अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर कुछ इस टाइप के वीडियो काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आते रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है प्लस का आइकन, आपको उस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपने दो फोटो को ऐड करना है। तो आप गाइस सबसे पहले अपने फ्रेंडशिप वाले फोटो को ऐड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद कोई गाइस आपको अपना फोटो या फिर एक वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिससे भी अपने वीडियो को गाइस क्रिएट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो फोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है, तो आपका इस तरीके से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इस तरीके से दो फोटो को ऐड किया है। तो आप चाहे तो फ्रेंड्स अपने वीडियो से भी इस तरीके का वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो या फिर वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के एंड पार्ट पर आना कुछ इस तरफ, और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप इसे डिलीट कर दीजिएगा, हो चुका है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अगर आपका कोई इमेज स्क्रीन पर सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता है तो अब गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करके आप इस तरीके से जूम वगैरह करके गाइस आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है। एंड आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है टैप टू ऐड म्यूजिक का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा, और आपको इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, क्लिक कर लीजिएगा। और गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर गाइस आपको साउंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका इस तरीके से आपका साउंड आ जाएगा। तो गाइस आपका जो स्टार्टिंग पर साउंड आता है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको म्यूजिक बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइस आपके साउंड पर जहाँ पर बीट आता है आपको उस जगह पर आपको यहाँ पर बुक मार्क ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको साउंड ओपन करके दिखा देता हूँ। तीनों में सबसे पहले मर्डर कौन कर सकता है? तो गाइस यहाँ पर हम बोलता है, एंड इसके बाद यहाँ पर एक बीट आता है, तो आपको सेम इसी जगह पर आना है। और गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रेड फ्लैग का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना बीट को ऐड कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको साइन पर टिक कर देना होगा, फिर से आपको साइन पर टिक करना है। एंड इसके बाद गाइस आपका इस तरीके से आ जाएगा आपका साउंड। तो सबसे पहला इमेज के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है, इसके लेंथ को आप बड़ा कर लीजिएगा इस तरीके से अपने बीट के हिसाब से। यहाँ पर गाइस हमारा बीट आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बीट आता है, तो यहाँ पर आके इसके लेंथ को हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा साउंड खत्म हो रहा है, तो इसके भी लेंथ को हम छोटा कर लेते हैं अपने साउंड के हिसाब से इस तरीके से। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता होगा इफेक्ट्स का, आपको इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपने इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं इस इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ ब्लैक वाले को, इसके लेंथ को गाइस मैं पूरा कवर कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको भी कर लेना है जितना गाइस आपका हो जाता है। एंड गाइस आपको साइन पर टिक करना है, और यहाँ पर गाइस हमारा खत्म हो रहा, तो यहाँ गाइस एक हम कट लगाते हैं। आपको यहाँ पर आना है, कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कट लगाना है, इस पार्ट के ऊपर क्लिक करके फिर से आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर से आपको इसी इफेक्ट को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स आप यहां से एडजस्ट भी कर सकते हैं इस लाइन से अपने इफेक्ट के स्पीड को, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको साइन पर टिक करना है, हो चुका है। इसके बाद गाइस आपको अपने सेकंड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां से भी अपने इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा, आपको जो भी ऐड करना होगा। तो यहां से गाइस हम इसे ऐड कर लेते हैं, एंड इसके लेंथ खोल कर मैं बड़ा कर लेता हूँ, और इसे मैं आगे खिसका के ले जाता हूँ एंड साइन पर टिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे सभी इमेज पर इफेक्ट लग चुका है, और गाइस हमारा वीडियो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे साउंड के साथ किस तरीके से वीडियो तैयार हुआ है। तीनों में सबसे पहले मर्डर कौन कर सकता है? हम।
तो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, तो गाइस आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।